आज मैं पनीर लबाबदार बना रही हूँ। इसके लिए हमने बटर और रिफाइंड दोनों ही रख दिया है, गरम कर लिया है। और अब इसमें हम ऑनियन डालेंगे, रफली चॉप्ड ऑनियन है। प्याज हल्का सा भून लेंगे, इसके बाद इसमें हमें दो कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम काजू, खसखस और चिरौंजी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के तीन से चार मिनट तक इसको हम पका लेंगे। अब हमारा ये प्याज और टमाटर हल्का सा गुलाबी हो गया है, इसको हम बंद कर देंगे। ठंडा होने पर इसको हम पीस लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने दो स्पून तेल डाल दिया है और थोड़ा सा बटर डालेंगे एक चम्मच के लगभग। बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। जैसे मेल्ट हो गया है, इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे एक चम्मच। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट मेरा भून गया है। अब हम उसमें अदरक लहसुन पेस्ट हमारा भून गया है। अब उसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम पेस्ट डाल देंगे। हमने मिक्सी में पीस लिया था और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। एक से डेढ़ चम्मच धनिया डालेंगे। डेढ़ चम्मच हमने धनिया डाल दिया है और कस्तूरी मेथी डाल दिया है आधा चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टेबल, आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसे ऐसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा छोड़ देंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। मसाला हमारा पक गया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि पहले का भी पका हुआ होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर ग्रेटेड किया हुआ थोड़ा पनीर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हमने पहले पानी नहीं डाला था इसलिए थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे आधा कटोरी के लगभग। थोड़ा सा और डालेंगे। अभी ग्रेवी हमको गाढ़ी लग रही है, एक कटोरी के लगभग हो गया समझ लीजिए। आधी कटोरी पहले डाला था, आधी अभी डाल दी। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे क्योंकि पहले हमने मसाले में भी डाला था इसलिए ज़्यादा नहीं पड़ेगा। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए हम हल्का ही डालेंगे, पर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से होता है। आप जैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में देंगे। अब हम खोल कर देखेंगे। हमारी ग्रेवी देखो अच्छे से पकने लगी है, पक चुकी है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर हमने इस तरह से काटा है, आप अपनी पसंद से किसी भी डिजाइन में काट सकते हैं। डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, वन फोर्थ स्पून समझ लीजिए, एक चौथाई देंगे। सब
डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए, एक से दो मिनट के लिए थोड़ा सा ढक देंगे। ये दो मिनट हो गए हैं, ढककर निकाल देते हैं। अब हमारी सब्जी पक्के रेडी हो गई है, इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सब्जी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, अब इसको हम हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। इसे फ्रेंड्स नान या तंदूरी रोटी के साथ खाइए, एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। आपको कैसी लगती है खा के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।